ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है। लुधियाना के आरटीओ दफ्तर विच हरियाणा जींद के रहने वाले ईवर वालों चलान के 20,000 रुपए भरन का मामला सामने आया है। इस मामले के विच ड्राइवर का कहना है कि उसने ब्याज के पैसे लैके चलान भरिया। दरअसल ट्रैफिक पुलिस वालों इस ड्राइवर का नो एंट्री का चलान कटिया गया, जदों के ड्राइवर का कहना है कि उसको इस बारे जानकारी नहीं सी। उसने पुलिस को बहुत बहुत मेहनत की थी, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने दसिया है कि वह महीनावार महज 12,000 रुपए कमाता है, जिस करके वह चलान के पैसे नहीं भर सकता। उधर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने रिश्वत मंगने के इल्जामों को बेबुनियाद दसिया। मंगे थे जी मेरे पास से 700 रुपये। मैंने कमल जी के पास ही फोन किया था, मेरे जीजा के पास फोन बोले मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा एक मित्र, उन्होंने उसके पास फोन किया, बोले मेरी बात करो, उन्होंने बात नहीं की। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये सैलरी लेते हो, आज आप चलान भुगतने आए हो, पैसे कहाँ से लिए फिर आपने? पैसे मैं लेके आया हूँ जी। कहाँ से लिए? जी मैं आया सी कचहरी कोई अपने काम, वीर नूं मैं रोंदे देखिया और नहीं देखा जाता, क्योंकि एक गरीब बंदा किवें दिन रात एक ड्राइवर की गल करे। मैं टैक्सी यूनियन का प्रधान और मैं समझदा जिन्ने मेरे ड्राइवर वीर ने उन्हों का दर्द भी समझदा, किवें असी मुश्किलों का सामना करके रोड के उत्तों दिन रात चल के एक एक रुपया कमाईदा। और इस चक्कर दे विच एक गरीब बंदे ने वोट पा के दुआवां दे नाल सरकार बनाई है पूरे जोरों शोरों के नाल। जे आही हाल होने हैं तो मेरा वीर ये बहुत एक पाप है, कह दी है भी गरीब जनता के उत्ते एक बहुत भार है ये। ये बंद मैं कहा भी मौके का जाना करा ला अपने आह सीट बेल्ट का करा ला 1,000 रुपए का। नहीं फिर 700 रुपये ना नहीं चला हूँ तुम अपने सीट बेल्ट का 1,000 रुपये का सीट बेल्ट का जाना। 2,000 की अभी मंग ही नहीं कर सकते किसी तो, जिन्ना जुर्माना गौरमेंट ने पाया उन्ना ही पाना, चलान करना उन्हें रोक तो लाना ही है जी।